नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संध्या सक्सेना है। मैं इंडियन स्टूडेंट रिसर्च सोसाइटी एकेडमी से हूँ। जैसे आप मुझे जानते हैं, मैं आपकी होस्ट हूँ और आज मैं अपना नया वीडियो लेके आई हूँ। इस नए वीडियो में मैं आपको इन शॉर्ट बहुत ही छोटे तौर पे बता रही हूँ कि मेरे पास बहुत सारे लड़के लड़कियों के मैसेज कॉल्स SMS आते हैं, और बहुत सारे लोग जो नौकरी से प्यार से परेशान हैं या उनकी जॉब्स नहीं है, किसी के पास किसका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दूर चले गए हैं, डिवोर्स हो रहा है, या फिर कोई है जिसने भूत प्रेत टोना टोटका कर रखा है, कुछ भी इस तरह से मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और अपनी अपनी परेशानी लेके आते हैं। उन सब के लिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में जो भी कुछ घटता है वो हमारे पूर्व जन्म से संबंधित होता है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि मेरे से लोग पूछते हैं कि मैडम ऐसा क्यों है कि हमारे साथ ऐसा घट रहा है। वैसे तो उसके लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, और उसके लिए मैंने अपनी एक वीडियो भी डाली थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना सबकी बस की बात नहीं होती है, और उसमें 4-5 सीटें देनी पड़ती हैं, तब आप अपने पूर्व जन्म के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ, एक ऐसा मंत्र, एक ऐसा तंत्र जिसके द्वारा अगर आपने इसको सिद्ध कर लिया तो आप अपने पिछले कई सारे जन्मों को, एटलीस्ट कम से कम 11-12 जन्मों को तो आप देख ही सकते हैं। और इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसके प्रोसेस में आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको लाल रंग का वस्त्र खरीद के लाना है अपने लिए। लाल रंग के वस्त्र पे दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठना है आपको। लाल रंग के कपड़े पहने हैं, दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके आपको बैठना है, और जो माँ काली का ध्यान करते हुए आपको एक मंत्र है डैश। मैं डैश इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मेरी बहुत सी वीडियोस जो हैं वो चोरी हो रही हैं, और वो अपने लोग अपने अलग अलग नामों से दे रहे हैं। मैंने भाई मुझे कई बार पता चला है, कई बार कई तांत्रिकों ने भी मुझसे कांटेक्ट किया है कि मैडम आपकी जो वीडियोस हैं उसे कुछ लिंक्स हमें भेज दीजिए और वो उस पर काम करते हैं। तो इसलिए मैंने सबसे पहले डैश लगाया है कि जिसको भी ज़रूरत होगी वो मुझसे डायरेक्ट फ़ोन से मांग सकता है या मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मांग सकता है। तो डैश डैश आगे मंत्र जो है, डैश के बाद है डैश पूर्व जन्म डैश फट स्वाहा। इतना मंत्र बीच में क्या है वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, वो आपको मुझसे मैसेज पूछना पड़ेगा। तो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके लाल रंग के वस्त्रों पे को पहन के आपको आसन पे बैठना है, और उसके बाद इस मंत्र का आपको रात को 10 बजे के बाद जप करना है। जप करने के लिए कितनी माला का यूज़ करना है ये भी मैं अभी आपको नहीं बताऊँगी। और जब आपको लगातार 11 दिन हो जाएंगे उस मंत्र का जाप करते करते, 31 डेज जो 31 या 11 दिन के आसपास का ये टाइम पीरियड होगा, मिनिमम 11 डेज जब आपको हो जाएंगे इस मंत्र को जाप करते करते, तो आपका 11वें दिन जब आप रात को सोएंगे तो आपको आपके पूर्व जन्म के जो चीज़ें हैं, आपका पूर्व जन्म है, वो आपके साथ दोबारा से चलने लगेगा। एक छोटा सा वीडियो है, मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि मैंने मंत्र पूरा इसलिए नहीं बताया है क्योंकि मेरे साथ थोड़ा सा इस मामले में मिसहैपनिंग होने लगी है, और कुछ लोग जो है मेरे वीडियोस को अपने नाम से लीक कर रहे हैं, और मेरे क्लाइंट्स को भी कई बार मेरे नाम से फ़ोन किया गया है। तो मुझे इसलिए थोड़ा सा अपने आप को स्पेस और अपने आप को सेफ्टी देने की वजह से, अपने वीडियोस को, अपने काम को सेफ्टी देने के, क्योंकि ये मेरा अपना काम है, इसे मैं आपको पूरा नहीं बता रही हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अपने पूर्व जन्म के बारे में जानना चाहते हो, सिर्फ 11 दिन की मात्र साधना है और रात को 10 बजे के बाद शुरू होती है। कोई इसका प्रोसेस नहीं है और कोई खास, एक शब्द का सिर्फ मंत्र होता है, उसको आपको जप करना है। यदि आप इसे कर लेंगे तो आपको 11 डेज से अपने पूर्व जन्म के बारे में आप हमेशा के लिए जान पाएंगे कि आपने पूर्व में कितने जन्म जिए हैं और आपके साथ जो भी घटना घट रही है उसका क्या कारण है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पहली बार अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।